हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनुराग की मोटी स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस नई वीडियो पर। सो गाइस, आप में से जितने भी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो में कुछ बात कहना चाहता हूँ। एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको वीडियो सही लगे तो शेयर जरूर करिएगा आगे दोस्तों के साथ, अपने अदर नॉन पर्सन के साथ जो भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहा है। सो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेन बात है उसको कहने से पहले मैं अपनी एक बात बताता हूँ। जैसे मैं खुद गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एंड हुआ क्या है कि 2020 में, जैसा आपको पता है कि जो एग्ज़ाम का टाइम था मार्च के समथिंग, उसी टाइम पे कोरोना आ गया था, जिस वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। उसके बाद वो एग्ज़ाम दोबारा अब अप्रैल में होने थे, मार्च एंड अप्रैल में, बट दोबारा उसी टाइम पे कोरोना आने की वजह से फिर से वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे 2 साल यहाँ वेस्ट हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से। तो इस वीडियो के थ्रू मैं कहीं ना कहीं जो एक बात कहना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ, वो यही है कि गवर्नमेंट को अब इस बारे में भी सोचना चाहिए। एंड जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम हैं, सब में एज में थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे चाहिए, बिकॉज मेरे को अभी जो जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे पास अभी 1 या 2 साल है उसके आगे लिए। बट आज मेरे पास 2-3 ऐसे मैसेजेस एंड कॉल आए कि मुझे लगा कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप इस वीडियो से सहमत है, मेरी बात से सहमत है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें अपने सारे नॉन पर्सन के साथ, या जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें कि हाँ, सरकार हमारे बारे में भी सोचे। 2 साल कम्प्लीटली वेस्ट हो चुके हैं। कई तो ऐसे थे जिनका लास्ट अटेम्प्ट था या सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट था, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हैं। एंड कम्प्लीट प्रिपरेशन होने के बाद भी वो बहुत पछता रहे हैं, या कुछ भी आप मान लीजिए, जो भी उनका लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अब इस बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स के, कॉलेजेस के, हर बारे में सरकार सोच रही है। तो अब जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, एंड आगे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करनी चाहिए हर एक ग्रुप को। सो यही कह के मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। और लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि इस महामारी के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, अपने घर पे बने रहे, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।